अदनान, ये चारू का फॉर्म। चारू की हालत की जिम्मेदार तुम हो अभिया। जो हुआ उसमें मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? तुम चारू को देव शेखावत से मिलाने लेकर गई थी। जी नहीं, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी अरमान। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी बार कोशिश की कि वो देवसर से मिलने नहीं जाए। पर रियली, तुम घर से लेकर कैफे तक उसे रोकने की कोशिश ही करती रही, तुम उसे रोक नहीं पाई। तुम भाई बहन मेरी बात सुनते नहीं हो या सुनना नहीं चाहते? मैं उसे मिलाने नहीं लेके गई थी। अबीरा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच कहना, तुमने चारू को देव से मिलने की परमिशन दी थी या नहीं? आज के बाद इनसे मिलने की जिद भी नहीं करूंगी भाभी, प्लीज मुझे मिलने दे। ठीक है जाओ, बात इतनी सिंपल नहीं थी अरमान। अबीरा, तुमने चारू को देव से मिलने के लिए अलाउ किया या नहीं? तुम मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। हाँ या ना? तुम पूरी बात जानते भी नहीं हो। हाँ या ना? हाँ, मैंने उसे मिलने के लिए अलाउ किया था। पर बस बस मुझे सिर्फ यही जानना था, चारों के सालत के जिम्मेदार तुम ही हो अबीरा। ठीक है ना चारू? अरमान, इसे क्या हुआ? दादी से वो चारू, वो मेरे साथ वॉक पर गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? क्या? एक्सीडेंट? तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती चारू? अगर कोई मेरे पास भी आया तो मैं आप सबसे नफरत करती हूँ। क्या चाहिए तुझे? आज एक बेटी अपनी मां से नफरत करती है। आज तुझे मैं बद्दुआ देती हूं, जैसे मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है ना, तुझे भी अपनी जिंदगी में सिर्फ नफरत मिले। कोई तुझसे कभी प्यार ना करे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।